नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की संजीवनी नगर पुलिस ने एक महिला से मोबाइल फ्रॉड के माध्यम से धोखाधड़ी कर 1,95,000 रूपए अकाउंट से उड़ा देने वाले आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए संजीवनी नगर थाना प्रभारी क्रांति कुमार ने बताया कि वन्ना केसरवानी नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पास के वाईसी के लिए फोन आया था और एक लिंक क्लिक करने के लिए कहा था। महिला ने जैसे ही लिंक क्लिक किया उसके अकाउंट से 1,95,000 की राशि निकल गई। महिला को राशि निकलने की जानकारी लगते ही वह तत्काल बैंक पहुंची और बैंक में स्टेटमेंट देख वह हैरान हो गई। अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बाद वह सीधे संजीवनी नगर थाने पहुंची और पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भी साइबर सेल की मदद से आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके एक अन्य साथी की तलाश की जा रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, संजीवनी नगर थाने में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, आरोपी गिरफ्तार हुआ है, कहाँ से गिरफ्तार किया है और कितना पैसा उनसे बरामद किया है? आरोपी ने 1,95,000 रुपए के धोखाधड़ी किया था जिसे बिहार पटना से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अजहर मुसलमान है। अपने मेमोरेंडम में उसने पैसा खर्च करना बता दिया है अपने साथी के साथ। उसकी साथी की तलाश पत्रसाजी की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जो रिमांड पे। सर, जो महिला है कौन थी, कितने की धोखाधड़ी की? वंदना केसरवानी संजीवनी नगर की रहने वाली थी। 1,95,000 रुपए का KYC के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी। आरोपी की पत्रसाजी कैसे पता चली आप लोगों से, इसको गिरफ्तार? वो साइबर सेल से डिटेल जानकारी ली गई थी, तो उसकी जानकारी मिलने पर उसका पता चला आरोपी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।